तो यार मोस्ट ऑफ द लोग जब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर कोडिंग सीखते हैं, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5-6 पॉइंट्स, व्हाई डू पीपल फेल व्हाइल दे स्टार्ट टू लर्न टू कोड, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम 2022-2023 में कोडिंग जॉब्स और इंक्रीज होंगी। करेंटली रिसेशन इज गोइंग ऑन, एक वीडियो बनाई थी रिसेशन पे, बट आफ्टर एवरी बैड टाइम गुड टाइम कम्स। तो वापस सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं और बेटर, और कंपनी ज़्यादा हायर करेंगे जैसे कोविड के बाद कंपनीज ने हायर किया था। सो डोंट स्टॉप लर्निंग। तो चलो डिस्कस करते हैं, व्हाई डू पीपल फेल टू लर्न टू कोड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ ये होती है, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स। अब कोई एक कोडर है, कोई एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर है, या फिर वेब डेवलपर है तुम्हारी क्लास में या फिर तुम्हारे साथ, हु इज़ वेरी गुड एट इट, राइट, बट यू आर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज तुमने अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया है या फिर तुमने उसके काफ़ी टाइम बाद करना स्टार्ट किया है। बट ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द बेस्ट पर्सन। इससे हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड वी डोंट वॉन्ट टू लाइक लर्न एंड वी जस्ट स्टॉप देयर, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो अपने आप को खुद से कंपेयर करो, ठीक है, दूसरों से कंपेयर मत करो। अपने लास्ट एक वीक में, दो वीक में तुमने क्या प्रोग्रेस करी, एक महीने पहले अगर तुमने कोडिंग स्टार्ट करी थी, आर यू एट द सेम प्लेस और यू आर एबल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स और यू आर एबल टू डेवलप अ बेटर ऐप। अगर तुमने HTML CSS कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी थी, क्या तुम एक बेसिक वेबसाइट बना पा रहे हो? इट्स अ लॉन्ग वे टू गो कि तुम एक बहुत प्रॉपर अच्छी वेबसाइट बना रहे हो, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज क्या तुम कुछ बना पा रहे हो आफ्टर सम टाइम, एंड दैट डिपिक्ट्स ग्रोथ माइंडसेट। तो एक प्रोग्रामिंग माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे से कंपेयर करना जब तुम छोड़ोगे अपने आप को, यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर, एंड इट शुड ऑलवेज बी कोलाबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन। अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद है जो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, आस्क हिम, आस्क हर कि कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं, लर्न फ्रॉम देम एंड डोंट कम्पीट विद देम। अब प्रोग्रामिंग इज सेम एज जिम। अगर तुम जिम में एक हफ्ते जा रहे हो, दो हफ्ते जा रहे हो, तीन हफ्ते जा रहे हो, तुम यू विल नॉट सी रिजल्ट्स अनटिल एंड अनलेस तुम कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स डाल रहे हो जिम में, एंड कुछ टाइम बाद यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट धीरे 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 धीरे। एंड प्रोग्रामिंग और कोडिंग इज सेम एज दैट। तुम एक हफ्ते दो हफ्ते करोगे तो तुम यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट माइंडसेट, एंड वंस यू हैव दैट माइंडसेट फिर धीरे 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 तुम्हें प्रोग्रेस दिखनी स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट अपना है यार, वो ट्यूटोरियल हेल्प। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि मैंने यार लिंगलिस्ट, मैंने DP ग्राफ पढ़ तो लिया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख लिया, बट मैं क्वेश्चन करने जाता हूँ मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होता। तो दिस इज़ व्हाट ट्यूटोरियल हेल इज़। तुम ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल देखे जा रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियोस, कोर्सेज की वीडियोस देखे जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब कुछ आ रहा है, बट एक्चुअली यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। एंड ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था पर्सनली, जब मैं रिएक्ट वगैरह सीख रहा था अपने कॉलेज में। तो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट यूज टू वॉच फुल लाइक प्ले लिस्ट, एंड फिर उसके साथ साथ जो वो कोड कर रहे हैं बस वही कोड करे जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरे को बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट व्हेन आई वेंट टू अ हैकाथॉन एंड मेरे दोस्त बोल रहे थे यार ये करके देख, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, एंड आई वॉज स्टक देयर सिटिंग कि यार ये करते कैसे हैं, मैंने पढ़ा तो था बट मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। देन आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग। तो अगर तुम कोई ट्यूटोरियल या कोर्स फॉलो कर रहे हो, तो इफ़ दे आर मेकिंग अ वेबसाइट तो यू शुड ऑल्सो मेक अ वेबसाइट। बट अगर वो कोई एक बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कुछ फ्लैपी बर्ड वाला गेम है, तो उसको चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट को लगा के कोई और गेम बनाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रखो बट मेक समथिंग डिफरेंट, सो इन दैट वे यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर। तो बिल्कुल कॉपी करोगे A to Z, जो एक लाइन कोड वो लिख रहे हैं तुम एक लाइन कोड लिख रहे हो ऐसे करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। व्हेन यू विल लर्न फ्रॉम द रिसोर्स, प्लेलिस्ट, कोर्स या कुछ भी, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट योरसेल्फ, देन इज द टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू कोड। एंड ऐसे अगर तुम्हें कोई भी स्किल वगैरह या कोर्स वगैरह करना है रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कुछ भी, तो आई हैव अ वेरी अमेजिंग रिसोर्स फॉर यू गाइज। तो द वेबसाइट इज स्किल अप, दैट इज बाई सिंपली लर्न। इट इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल एज वेल एज इट इज अ वेबसाइट टू। तो तुम अपने लैपटॉप पे या फिर फोन पे कहीं पे भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, ट्रेंडिंग स्किल्स पे, विच यू कैन लर्न एंड अपस्किल योर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग वीडियोज है विच आर प्रिपेयर्ड बाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, टॉप प्रैक्टिशनर्स एंड प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। तो तुम किसी भी टाइम बैठ के अपने हिसाब से कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। यू गेट 90 डेज टू कंप्लीट ईच फ्री कोर्स, ठीक है, तुम्हें 3 महीने मिल रहे होते हैं, 3 महीने के अंदर तुम कोई भी कोर्स कर सकते हो। एक स्टार्ट डेट के बाद तुम्हारे पास 90 डेज होते हैं, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कोर्सेज ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक जॉब रेडी सर्टिफिकेशन भी मिल रहा होता है। और सिंपली लर्न मोबाइल ऐप पे तुम्हें काफी ज्यादा और तरीके भी मिल रहे होते हैं टू लर्न थिंग्स, नॉट जस्ट कोर्सेज। यू हैव माइक्रो लर्निंग थ्रू शॉर्ट वीडियो स्किल अप बाइट्स, गेमिफाइड लर्निंग थ्रू स्किल अप क्विजेस, एंड सोशल लर्निंग थ्रू स्किल अप कम्युनिटी।
तो काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड इफ यू वॉन्ट टू अपस्किल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज डोमेन्स, तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर सकते हो. थर्ड एक फैक्टर जो है वाई पीपल फेल इज दे जस्ट डू एवरीथिंग अलोन. जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में तुम्हें बताया कि कोलैबोरेशन शुड बी ओवर कॉम्पिटिशन. तो जितना तुम पेयर प्रोग्रामिंग या ग्रुप में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो ना, तुम्हें एक दूसरे से इंटरेक्शन करने पर नए नए सॉल्यूशन का पता चलता है, नए नए अप्रोचेज का पता चलता है. इसके अलावा समवन इज बैक विद यू कि अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोई बता देगा, ठीक है. एंड आसपास लोगों को देख के जब तुम कोड कर रहे होते हो तो तुम्हारे अपने आप मन कर रहा होता है कि नई नई चीज़ें मैं भी सीखूं, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता. एंड दैट हेल्दी कॉम्पिटिशन डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट इन लर्निंग बेटर एंड फास्टर. अब नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट कॉपिंग थिंग्स. अब उसमें क्या होता है यार कि तुम उठा के बस जो तुम्हें कोड मिल रहा है, अब तुम GFG पे गए या फिर लीड कोड पे गए या फिर कहीं पे भी गए, तुमने कोड किया, तुम्हें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, तुम्हें कम्युनिटी पे जाके कॉपी पेस्ट किया और चल गया, काफ़ी मजे आ गए, बहुत सही. एंड तुम कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने तुम्हें पढ़ाया या फिर यूट्यूब की प्ले लिस्ट से तुमने देख के कुछ किया, जो जो उसने किया वो तुमने कर दिया साथ साथ, एंड इट इज़ वर्किंग, सो यू आर हैप्पी, यार क्या बात है, मज़ा आ गई, मेरे को तो आ गया कोड करना. बट ऐसा नहीं होता है. जैसे मैंने तुम्हें अपने हैकाथॉन्स वाला एग्जाम्पल दिया, यू नीड टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स यू हैव डन इन अ कोर्स और इन अ प्ले लिस्ट. तो खुद इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद उस चीज़ को यूज़ करके देखना, खुद उस एल्गोरिथम को यूज़ करना या फिर उस टेक्निक को यूज़ करना टू बिल्ड समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपी पेस्ट करके यू विल नॉट बी एबल टू लर्न वाई दिस इज़ वर्किंग, हाउ दिस इज़ वर्किंग. एंड जब तुम खुद इम्प्लीमेंट करने बैठोगे तो इसलिए लोग फेल हो जाते हैं टू लर्न प्रोग्रामिंग, बिकॉज दे हैव अ कॉपिंग माइंडसेट कि चलो कॉपी पेस्ट करके चल रहा है, चलने देते हैं, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, ठीक है, रटो चीज़ें और गल दो. बट ऐसा नहीं होता, यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक चीज़ और है कि ट्रेंडी और पॉपुलर थिंग्स के पीछे मत भागो कि यार आजकल डेटा साइंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो चलो डेटा साइंस पढ़ लेते हैं. कल को कोई बोलेगा यार मशीन लर्निंग वापस आ गई, मशीन लर्निंग कर लेते हैं. तीसरे दिन आगे कोई बोलता है यार वेब डेवलपमेंट का आजकल ज़माना है, वेब डेवलपमेंट कर रहे, चलो वो कर लेते हैं. इससे क्या होता है, तुम एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हो. ठीक है, दो महीने में किसी दोस्त ने आके बोला कि यार अब तो मशीन लर्निंग के लिए हायरिंग हो रही है, कंपनी मशीन लर्निंग करवा रहे हैं, तो वो बैठ के करने लग गए. ठीक है, स्टिक टू द कोर बेसिक्स. ये सारी चीज़ें तुम बाद में आराम से सीख सकते हो, बट व्हेन यू आर लर्निंग बेसिक, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लैंग्वेज पकड़नी है, GSA करना है. ठीक है, उसके बाद कोई भी एक डेवलपमेंट उठा देनी है, एंड्रॉयड वेब, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे उठाओ एंड डू दैट, अच्छे से सीखो वो. फिर जो टेक्नोलॉजीज 10-10 साल से 8-8 साल से चल रही हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सबको सीखना स्टार्ट करो. जो चीज़ अब नहीं चलती है उनको मत करो, बट द थिंग्स विच आर इवन नाउ यूज, उनको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड मैं फाइनली तुम्हें फिर से सेम चीज़ बोलूँगा कि दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. ठीक है, यू लैक प्रोग्रेस, तुम्हें बस लगेगा कि यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा. यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को जज करने का ट्राई करो कि लास्ट 2-3 महीने में जो तुमने चीज़ सीखी है, आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, आर यू एबल टू रिटेन द सेम थिंग. ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नोट्स को गो थ्रू करते रहो, डोंट ट्राई टू क्रैम्प एवरीथिंग. सारी चीज़ें रटने का ट्राई मत करो, सारी चीज़ें समझने का ट्राई करो. जितना ज़्यादा तुम चीज़ें समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. एंड या तो इसमें से कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें लग रहा हो कि मिसिंग है एंड यू हैव बीन प्रोग्रामिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू कैन कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तुम्हारे पास और कोई आइडियाज़ हों, तुम्हें और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड तुम्हारे लिए टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तुम्हें पता चला होगा कि कौन सा माइंड सेट तुम्हें रखना चाहिए, क्या गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है इफ़ यू आर अ बिगिनर प्रोग्रामर. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज, तुम्हें कहाँ से करने हैं, आई हैव शेयर्ड अ फ्री प्लेटफॉर्म विद यू, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.